नीलम तिवारी, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उसमें यहाँ कामक घर से काफी लोग अभी टिकट मांग रहे हैं, उसमें एक कैंडिडेट हो सकता है हमारे नाना पाटिल भी रहे, तो आप लोग अच्छे आदमी को चुन के लाइए। अच्छे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भिवंडी शहर जिला संगठित कामगार विभाग द्वारा ज्येष्ठ नागरिक सम्मान पर्यावरण विषयक जन जागृति महापुरुषों के जीवन पर व्याख्यान के कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बता दे कामत घर स्थित वराला देवी मंगल भवन कार्यालय के प्रांगण में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी असंगठित कामगार विभाग महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष नाना पाटिल और भिवंडी शहर अध्यक्ष ग्यासुद्दीन अंसारी द्वारा भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष सोहेब गुड्डू के नेतृत्व में ज्येष्ठ नागरिक सम्मान पर्यावरण विषयक जन जागृति महापुरुषों के जीवन पर व्याख्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सोहेब गुड्डू, महिला अध्यक्षा स्वातिताई कामले, प्रदेश सचिव भगवान टावरे, ग्रामीण अध्यक्ष, मुंबई अध्यक्ष आदि मान्यर उपस्थित थे। आए हुए सभी मान्यरों का आयोजक नाना पाटिल, ग्यासुद्दीन अंसारी और प्रभावती नाना पाटिल के हाथों स्वल पुष्प गुच्छ देकर स्वागत सत्कार किया गया। इस अवसर पर कामत घर क्षेत्र के सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित थे। वहीं जिला अध्यक्ष सोहेब खान गुड्डू ने मार्गदर्शन करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। पर्यावरण के ऊपर या माहौलियात के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर दो शब्द बोले तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि आज पूरी दुनिया में जो सुलगता हुआ टॉपिक है, सुलगता हुआ मौजू है, विषय है, वो है पर्यावरण। लोग इसके ताल्लुक से फिक्रमंद हैं। माहौल या एनवायरनमेंट इतराफ में मौजूद जानदार बेजान चीज़ों की मौजूदगी को माहौलियात कहा जाता है। इसमें हवा, पानी, फिजा, ज़मीन, जंगलात, ये इन तमाम का शुमार होता है। यहाँ पर हवा में चिमनियों, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली जहरीली गैस शामिल होती है, जो हवा में शामिल हो जाती है। जब बारिश होता है तो यह बारिश जो है जहरीली बारिश के अंदर या एसिड रेन में तब्दील हो जाती है। जब गिरती है वो ज़मीन पर तो ज़मीन बंजर हो जाती है। इसलिए हमको ख्याल रखना चाहिए कि हमारी हवा साफ सुथरी हो। इससे अगर हवा साफ सुथरी नहीं होगी तो हमको सांस की शिकायत होगी और दूसरी बहुत सी बीमारियां आती हैं हम पर। प्रोग्राम यहाँ पे कामक घर में रखा गया है। ये प्रोग्राम जो सिटीजन थे उनको 10 लोगों को हमको सत्कार करना था, ट्रॉफी दे के उनको मान सम्मान देना था। उसके साथ साथ साहू महाराज, शिवाजी महाराज, अबू कलाम आज़ाद साहब, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले जी, इन सब के ऊपर हमको यहाँ पे स्पीच देना था, लोगों को बताना था कि वो शख्सियत क्या थी। और ऊपर वाले की मेहरबानी, ये सब लोगों ने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाई और सब प्रोग्राम हमने कामयाब किया। अबराज सवाल भिवंडी शहर के लिए आज आप लोग देख ही रहे, राष्ट्रवादी पार्टी आज जमीन स्तर पे काम कर रही है, जनता के बीच में जाके काम कर रही है और काम करके दिखाएगी इंशाल्लाह। हमने यही अपील की है, काम होगा तो हमको वोट देना। और अभी सरकार की तरफ से निधियाँ भी आई हैं, बहुत जल्दी काम चालू होने वाला है। जुलाई तक और काफ़ी निधियाँ इंशाल्लाह सरकार की तरफ से आने वाली है। इसी तरीके से IGM हॉस्पिटल के मसले मसाइल हैं। ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हम IGM हॉस्पिटल को कैसे भी सुधारा करें। पानी का मसला है शहर का, पानी का सुधारा करें। ये सब हमारे जो बुनियादी चीज़ें, मूलभूत सुविधा जो होती है वो लोगों को मिले, इस सब चीज़ को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। और ख़ासतौर अभी हमारा जो लक्ष्य है कामत घर साइड में, हम चाहते हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी तो लोग यहाँ पसंद करते हैं लेकिन यहाँ लोग पहुँचे नहीं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पहुँचे और लोगों के बीच में जाके बताएं कि राष्ट्रवादी पार्टी आज महाराष्ट्र में क्या काम कर रही है, भिवंडी शहर में क्या काम कर रही है। खासतौर में नाना पाटिल, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा
कि उन्होंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लगा के हम लोगों को बुलाया, मान सम्मान दिया, लोगों को यहाँ जमा किया और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह नाना पाटिल एक आग बनकर कामत घर में उभरेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। और जो भी कामत घर के विषय का काम है इंशाल्लाह विषय को लेके वो काम करेंगे, जो भी यहाँ पे जो तकलीफें हैं हम उनको पूरी पार्टी की तरफ से उनको मदद देंगे नाना पाटिल को और उनको आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है इलेक्शन के अंदर महानगर पालिका का इलेक्शन आ रहा है 2022 का, उसमें यहाँ कामत घर से काफ़ी लोग अभी टिकट मांग रहे हैं, उसमें एक कैंडिडेट हो सकता है हमारे नाना पाटिल भी रहे हैं, तो आप लोग अच्छे आदमी को चुन के लाइए, अच्छे लोगों को आगे लाइए, यही मेरी विनती है। और आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।